नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सैंपल पेपर अपलोड किए गए हैं। उसमें ब्लूप्रिंट दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा आपकी किस प्रकार से आएगी, कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे, कौन से खंड से कितने अंक के प्रश्न लिए जाएंगे, सभी कुछ इसमें दर्शाया गया है। आज हम 9वीं कक्षा का सैंपल पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी, लेकिन दीर्घ उत्तरों के लिए वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो व्याकरण से लिया गया है। यहाँ पर कुल 8 उपभाग लिए गए हैं और प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है, तो यहाँ पर 8 × 2 = 16 अंक की आपकी व्याकरण दी गई है। एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, मतलब जैसा कहा गया है ठीक उसी प्रकार से उत्तर दीजिए। पहला उपभाग, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। हमें सिर्फ नाम बताना है, हमें यहाँ पर व्याख्या नहीं लिखनी है कि ये अलंकार है तो क्यों है, हमें सिर्फ नाम बताना है। रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मैं यहाँ पर बच्चों आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपको उत्तर में लिखना है सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास अलंकार। हरि पद कोमल कमल से आता है, तुलना का भाव दिया गया है। जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप उपमा अलंकार। सिर्फ 2 शब्द लिखेंगे, पहला क भाग में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, ख भाग में उपमा अलंकार। दूसरा देखिए इसका भाग, तत्सम शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो बदल कर प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम कोई भी ले लीजिए आप, सूर्य है, अक्षी है, क्षेत्र है, धृत है, कोई भी, अपनी मर्जी से कोई भी 2 आप उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। एक उदाहरण का 1 अंक, 2 उदाहरण के 2 अंक। निम्न शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग देखिए, अशिक्षा, अ जमा में शिक्षा, तो अ उपसर्ग है, शिक्षा मूल शब्द है। कड़वाहट, कड़वा जमा में आहट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ उपसर्ग और आहट प्रत्यय। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य निर्माण कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर मीनिंग भी लिखना है, उसका अर्थ भी लिखना है, इसके साथ साथ उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे से मिलना, और आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी वाक्य बना दीजिए। दर दर की ठोकरें खाना, दर दर की ठोकरें खाना मतलब परेशान होकर इधर उधर घूमना, आप अपनी मर्जी से इसके वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न, स्वर रहित र यानी कि र का प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखिए। ये वाला जो है र के विभिन्न रूप, मैंने आपको समझाया भी था कि र के विभिन्न रूप क्या होते हैं, शीर्षस्थ, पदेन और मूल रूप। लेकिन मूल रूप तो यहाँ पर हमें लेना नहीं है। शीर्षस्थ क्या होता है? सिर पर बैठने वाला। पदेन क्या होता है? पैरों में बैठने वाला। तो पैरों में बैठने वाला र हमेशा स्वर सहित होता है, और सिर पर बैठने वाला र हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब स्वर के बिना होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो सिर पर बैठने वाला र है हमें उसके उदाहरण देने हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, देखिए आपको भ्रमित कर दिया है। स्वर रहित र के प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखिए, तो यहाँ पर कोई भी र लिख देंगे जिस पर शीर्षस्थ र है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, धार्मिक, बर्फ आदि। इनमें से कोई भी एक शब्द लिखना है आपको, किसी भी एक शब्द का यहाँ पर रूप लिखना है। अगला है, संयुक्त व्यंजन का श्र का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो एक ही वर्ण है, श जमा में र जमा में अ, तो श पे भी हलंत लगाओगे, र पे भी हलंत लगाओगे और साथ में लिखोगे अ, क्योंकि वर्ण विच्छेद पूरा पूछा है हमसे। अगला है प्रश्न, निम्न शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आजीवन, जीवन भर, अव्ययी भाव समास, चौराहा, चार राहों का समाहार, द्विगु समास। तो यहाँ पर विग्रह भी करना है और हमें समास का नाम भी लिखना है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, साकार, निराकार, उत्थान, पतन, दो दो पर्यायवाची।
अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, मतलब कम से कम आप दो लिखेंगे तभी आपको एक अंक मिलेगा। तो यहाँ पर ईश्वर है, ईश्वर का भगवान, जगदीश, सर्वशक्तिमान, ये कोई भी आप दो लिख दीजिए इसमें से। राजा, राजा नृप, भूपति, नरेश आदि। पहले वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बच्चों, कि जैसा जैसा हमें निर्देश दिया गया है हमें वैसे ही उत्तर लिखना है। हमसे जो पूछा गया है हमें वही लिखना है, ना हमें कम बताना है ना हमें ज्यादा बताना है। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों से सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर काव्य खंड से 12 प्रश्न लिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है और कुल 12 प्रश्न हैं। कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं? मानसरोवर में। कवि ने ज्ञानी किसे कहा है? जो स्वयं को जानता है, तो ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। गोपियां श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? गोपियां श्री कृष्ण की मुरली धारण नहीं करती, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कि वो मुरली श्री कृष्ण ने अपने जो होठों पर रखी हुई है वो मुरली मैं धारण नहीं करूंगी। प्रश्न संख्या चार, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सा गहना पहना हुआ था? हथकड़ी, क्योंकि वो जेल में थे और हथकड़ियों को ही वो गहना मानते हैं। कैसी सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं? कोहरे से ढकी हुई। सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में किसको ढूंढने की बात कही गई है? इसका अर्थ है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। इस पंक्ति में ईश्वर को ढूंढने की बात कही गई है। कबीर खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत का। रस्सी कच्चे धागे की कहने के पीछे कवयित्री का क्या आशय है? सांसें। कवयित्री कहती है कि यह सांसों रूपी जो डोर है वो बहुत कच्ची है और कभी भी टूट सकती है। या लकुटी अरु कामरिया पर सवैये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है? ब्रज क्षेत्र की। या लकुटी मतलब इस लकड़ी और कमली पर कवि सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। गोपियों से कृष्ण की कौन सी चीज संभाली नहीं जाती? उनकी मुख की मधुर मुस्कान। माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी, न जहे न जहे न जहे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ बंद है? कवि जेल में बंद है। गोपियां सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं? मोर पंख। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुझे तो श्री कृष्ण का रूप देखना है, तो वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण की भांति ही सिर पर मोर पंख धारण कर लूंगी। प्रश्न संख्या तीन, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इनसे संबंधित मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से जाकर इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब तीन प्रश्न है, एक प्रश्न तीन अंक का है, तो कुल 9 अंक के हैं। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तीन प्रश्न हैं और तीनों ही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न संख्या चार, ये MCQs आए हैं हमारे, बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं हमारे गद्य खंड से, हमारे काव्य खंड से भी 12 अंक के प्रश्न हैं और गद्य खंड से भी 12 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो कुल आपकी परीक्षा में 24 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कांजी होश से कौन नहीं भागा था? तो यहाँ पर सब सही जवाब है गधे। कुची कुची का क्या अर्थ है? ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में दिया जा चुका है। तो कुची कुची का अर्थ है दया दया। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था? बचपन में वो अपनी एयरगन से खेल रहे थे और उनसे एक गोरैया घायल हो गई थी। सही जवाब है एयरगन से। पनहिया से क्या अभिप्राय है? ये वाला भी हमारा सेट एग्जाम में आया था एक बार प्रश्न। पनहिया मतलब होता है जूतियां। हीरा और मोती किसके घर से भागे थे? गया के घर से, क्योंकि वो झूरी के तो बैल थे, झूरी के घर से तो भाग नहीं सकते, तो झूरी ने उन्हें अपने साले गया को दे दिया था और वहां से उनका मन नहीं लगा उन बैलों का और वो वहां से भाग गए थे। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किसके हाथ में है? बड़ा भाग मठों के हाथ में है। सालिम अली कौन थे? एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानी जो कि पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता चौधरी चरण सिंह जी थे। झूरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। क विकल्प ठीक है। घोड़ा कैसे चलने लगा था?
घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा था, जिसके कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए थे। हीरा और मोती एक दूसरे से विचार विनिमय, मतलब आपस में बात, अपने विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे? मूक भाषा में, मतलब बिना बोले ही वे दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ लेते थे। किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता, ये प्रश्न लिया गया हमारा ल्हासा की ओर, और वहाँ पर कहा गया कि ऐसे घुमावदार रास्ते हैं, ऐसे निर्जन स्थान हैं जहाँ पर कोई किसी को मार भी दे तो कोई किसी की परवाह नहीं करता है, निर्जन स्थानों पर। आगे प्रश्न हमारे दो प्रश्न हैं गद्यखंड से, तीन प्रश्न थे हमारे काव्यखंड से। तो गद्यखंड के यहाँ पर प्रश्न है दो प्रश्न, तीन अंक का एक प्रश्न है, तो कुल 6 अंक के हमारे ये प्रश्न हो गए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर स्वरचित वाक्य बनाइए, मतलब अपने आप बनाइए। आंखों का तारा बहुत प्यारा, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है, कान भरना चुगली करना, राम हमेशा मेरे खिलाफ चुगली करता रहता है। साधारण से वाक्य ढूंढने का प्रयास करना बच्चों, और अपने आप आपके वाक्य ठीक हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है हमारी कृतिका खंड से। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पर कृतिका खंड की पुस्तक से हमारे पास 5 प्रश्न हैं, और इन 5 प्रश्नों में से आपको जो भी प्रश्न अच्छे प्रकार से आते हैं वो 4 प्रश्न आने हैं। मतलब आप एक प्रश्न छोड़ सकते हो, अगर आप 5 के 5 लिख कर आओगे तो आपको 5वें का कोई अंक नहीं मिलेगा। आपको जो 4 अच्छी प्रकार से प्रश्न आते हैं वही 4 प्रश्न आप करने का प्रयास कीजिए। 2-2 अंक के 4 प्रश्न हैं, कुल 8 अंक के। प्रश्न संख्या 8, हरिशंकर परसाई और राहुल सांकृतिकायन के जीवन और साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपको कोई भी 2 लेखक परिचय दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक परिचय पर आपको लिखना है। 5 अंक आपका ये प्रश्न है। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए, 5 अंक का है। यहाँ पर आपको 4 या 5 जितने भी ऑप्शन में दिए जाते हैं उनमें से पहले आप एक एक को पढ़कर देखना कि मैं यहाँ पर किस पर अच्छे प्रकार से लिख सकता हूँ, तो इसमें से आप उसी का चुनाव करना जिस पर आप कम से कम 250 शब्द लिख सके। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए जाएंगे, एक औपचारिक पत्र एक अनौपचारिक पत्र। उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जिस पर भी आप अच्छे प्रकार से लिख सकते हो वो पत्र आप करना, जिसके अंक होंगे कुल 5 अंक। प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपको बता रही हूँ कि कितने अंक के कौन से प्रश्न आएंगे। व्याकरण से 8 भाग है यहाँ पर, प्रत्येक भाग 2 अंक का, तो 8×2 16 अंक की व्याकरण। काव्यखंड से 12 अंक के MCQs, इसके बाद क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड से प्रश्नोत्तर 3-3 अंक के, 3 प्रश्न 9 अंक। क्षितिज पुस्तक के गद्यखंड से MCQs बहुविकल्पी प्रश्न 1×12 12 अंक के। क्षितिज पुस्तक के गद्यखंड से 2 प्रश्न 3 अंक का एक प्रश्न है, 6 अंक के हो गए हमारे। फिर 2 अंक के मुहावरे। अंत में प्रश्न संख्या 7, कृतिका पुस्तक से 2-2 अंक के 4 प्रश्न 8 अंक के, 5 अंक का लेखक परिचय, फिर निबंध 5 अंक का और पत्र 5 अंक का। सैंपल पेपर के आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इसके साथ साथ मैं आपको टेस्ट भी देती जाऊँगी, हम उस टेस्ट की भी चर्चा करते जाएंगे और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।